पर आपका क्या एनालिसिस है? टाटा मोटर्स के लिए अभी तक बाजार का बड़ा कंसर्न JLR था, नेट डेट फ्री कब हो रही है कंपनी, अब तो उन्होंने नेट डेट फ्री होने की भी बात कही और साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी बताए, तो क्या टाटा मोटर्स के लिए जितनी दिक्कतें बाजार को लगती थी और स्टॉक चल भी रहा है इसी वजह से, क्या वो खत्म हो गई है? देखिए भैया, जो देखिए हम कहते हैं ना, अच्छी कहानी को हम बार बार बता सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स के बारे में बार बार बात कर सकते हैं। हमने शायद यही बात करी थी कि स्टॉक ऑफ द ईयर इस साल ऑटो स्पेस से टाटा मोटर रह सकता है, सो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। आप YTD परफॉर्मेंस देखिए, महिंद्रा मारुति और टाटा मोटर्स, अगर आप देखेंगे, मतलब मुझे आंकड़े से याद नहीं है पर मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स पक्का आउट परफॉर्म कर रहा होगा। डायरेक्टर साहब दिखाएं जरा, साल के बिगनिंग से दिखाएं डायरेक्टर साहब, कल का प्राइस मत दिखाएं, कल सेकंड हाफ में टाटा मोटर्स गिरा था, ये तो इंट्राडे ग्राफ है। तो अगर आप देखें YTD चेंज यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर से टाटा मोटर्स शाबाश, देखिए 20% ऊपर है। मारुति के अंदर इस प्रकार का उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर गिरावट है। तो सवा तीन महीनों के अंदर एक स्टॉक 20% ऊपर गया, एक स्टॉक 2% नीचे गया, एक स्टॉक कहीं नहीं गया, तीन आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो टाटा मोटर हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट इट कुड बी स्टॉक ऑफ द ईयर। स्टॉक ऑफ द ईयर अगर आप देखते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि क्या तकनीकी तौर पर यह तैयारी कर चुका है, साल सवा साल तक ये कंसोलिडेट कर चुका है। अगर आप देखें साल सवा साल से कंसोलिडेट कर चुका है, 5 साल में टाटा मोटर 34% ऊपर बढ़ा है, 5 साल में, 5 साल में, यानी कि बड़ा बेस बना चुका है। तीसरा, JLR को लेकर के इन्होंने नया कुछ नहीं बोला है, वही बोला है जो हमें पता है, नेट डेट फ्री हो जाएगा, वह कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, अब उस पर लोग टर्मिनल वैल्यू अपनी चेंज कर रहे हैं। पर जो नया कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से आया है वह ये आया है कि इन्होंने नए EV के प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करी है, और यह एक प्रकार का कॉन्फिडेंस है कि JLR का जो EV पोर्टफोलियो है वो शायद पिछड़ा हुआ है थोड़ा, वह इसमें वापस आना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के टाटा मोटर्स में इस समय वो माल मसाला है, हिंदी में मैं वर्ड बोलूँ, जिसकी वजह से आउट परफॉर्म कर सकता है। डोमेस्टिक बिजनेस में नंबर 2 हो चुके हैं, JLR ठीक हो रहा है, CV साइकिल अपटिक में है, ऑपरेटिंग लेवरेज इस समय कम हो रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट आएगा, डेट कम हो रहा है। टिपिकली कंपनियों के अंदर जब ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज जब दोनों आती हैं तो शॉर्ट टर्म में हमेशा सरप्राइज होता है। मेरे हिसाब से मार्केट इस सरप्राइज को अंडर एस्टिमेट करना है, आपको बेट ये लेना है कि आपको लगता है कि कितनी इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से सरप्राइज आ सकता है। अगर मार्केट में ऑप्टिमिज्म है बट मार्केट अब सरप्राइज का वेट करेगा, द मूवमेंट ऑफ टाटा मोटर्स नाउ डिपेंड्स ऑन द सरप्राइज यू विल गेट। दैट्स एन इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, रीइमेजिन स्ट्रेटजी ऑफ JLR। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन, कल जब आपसे मैंने सवाल पूछा आपने कहा था कि मानसी नतीजे देखेंगे, अनुमान है कि कॉशियस आउटलुक आएगा, नतीजे आ चुके हैं, मुनाफा भी 17% टूटा है। देखिए मानसी नंबर ठीक ठाक है, और टाटा कम्युनिकेशन एक कंपनी है जिसके अंदर मुझे स्थिरता नहीं दिखती है। अब मैं देखूं कि इसके क्वार्टर के बाय क्वार्टर के अंदर एक प्रकार से आपको ट्रेजेक्ट्री नहीं दिख रही है, डेटा बिजनेस बढ़ रहा है मगर स्लो पेस पे बढ़ रहा है, जो इनका वॉइस बिजनेस है कम हो रहा है, तो उसमें कोई डंडे की बात नहीं है, मगर भाई ट्रेजेक्ट्री दिखनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि कोई रुख दिखता है, तो रुख मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक गिर चुका था, 2:30 बजे आज कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो यहाँ से बिकॉज ये स्टॉक 1280 से नीचे आ गया था, तो आसपास हाँ 1280 के ऊपर था या 1300 के आसपास था, तो 100 रुपये इन द रन अप टू द नंबर्स निकल चुका है। तो ये मार्केट के लिए प्राइस सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं तो भनक थी या सेंस था या एंटिसिपेशन थी। तो कुड इट बी ए केस ऑफ सेल द न्यूज, सेल द रूमर एंड बाय द न्यूज, हम अंग्रेजी में बोलते हैं बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, उसको उल्टा क्या होगा, सेल द रूमर एंड बाय द न्यूज, तो हो सकता है उसमें उल्टा हो जाए, हो सकता है कि रिकवरी आ जाए, क्योंकि काफी गिरावट नहीं लगती है। 2:30 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, उसके बाद वेट करना पड़ेगा। देखिए इन कंपनीज के अंदर आप यू नो व्हेन यू हैव टू एनालाइज FMCG कंपनी, आप पता लगा सकते हैं मार्केट में कौन सा ब्रांड बिक रहा है। जब आपको एनालाइज करना है कि गाड़ियों की कंपनी के बारे में आप पता लगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मैनेजमेंट की गाइडेंस पे ही जाना पड़ता है, बिकॉज वही एक प्रकार का आपको गाइडेंस मिलता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इन सारे स्टॉक्स और बाजार पे हमें व्यू देने के लिए। ध्यान रखिए।